नमस्कार, चलिए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग अनुशासन। एक अध्यापक था, वह सरकारी नौकरी में था। अध्यापक की पत्नी बीमार थी, अस्पताल में थी, तभी उसके तबादले का आर्डर हो गया। शिक्षा विभाग के बड़े साहब उसी के मोहल्ले में रहते थे। उसका बंगला अध्यापक के घर से दिखता था। वह उनके बंगले के सामने से निकलता तो उन्हें सादर नमस्ते कर लेता। मास्टर ने सोचा, साहब से कहूं तो वे फिलहाल मेरा तबादला रोक देंगे। वो साहब के घर गया। बरामदे में बड़े साहब ने पूछा, क्यों, क्या बात है? साहब, एक प्रार्थना है। बोलो। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, वो बहुत बीमार है। तो? मेरे तबादले का आर्डर हो गया है। तो? सर, कृपा करके फिलहाल मेरा तबादला कैंसल कर दें। साहब नाराज हो गए, बोले, तुम्हें अनुशासन के नियम मालूम है? तुम सीधे मुझसे मिलने क्यों आ गए? तुम्हें आवेदन करना चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल। तुम्हें अपने हेडमास्टर की लिखित अनुमति के साथ मुझसे मिलना चाहिए। जाओ, तबादला कैंसल नहीं होगा। तुम्हें अनुशासन भंग करने के लिए डांट भी पड़ेगी। मास्टर को डांट पड़ी। आइंदा साहब से सीधे नहीं मिलने की चेतावनी मिली। मास्टर ने 2 महीने की छुट्टी ले ली। एक शाम साहब के घर में आग लग गई। आसपास के लोग आग बुझा रहे थे। मास्टर बरामदे में खड़े हुए देख रहे थे। आग बुझ गई, अधिक नुकसान नहीं हुआ। दूसरे दिन मास्टर साहब निकले तो साहब फाटक पर खड़े थे। साहब ने कहा, मास्टर साहब, कल शाम को मेरे घर में आग लगी थी तो तुम खड़े खड़े देखते रहे, बुझाने नहीं आए। मास्टर ने नम्रता से कहा, सर, मैं मजबूर था, हेडमास्टर साहब बाहर गए हैं, उनकी लिखित अनुमति के बिना कैसे आता? आपकी आग बुझाने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी का व्यंग अनुशासन।